मॉर्निंग एवरीवन। अब कुछ 9 बज गए, हम ऑलमोस्ट 7 o'clock को निकलने वाले थे पर ऑलमोस्ट 2 घंटा लेट चल रहे हैं। 750 किलोमीटर से ज़्यादा का ड्राइव होगा थाने टू जूनागढ़, जो हमारा पहला स्टॉप होगा गुजरात के ट्रिप पे। पूरा पैकिंग वैकिंग हो चुका है और मेरी फैमिली भी मेरे साथ होगी इस ड्राइव पे। थोड़ा सा लंबा दिन होगा आज, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे तो मिनिमम लगने वाले हैं ऐसा मुझे लगता है, और बहुत ज़्यादा नाइट ड्राइविंग भी करनी पड़ेगी शाम को, और बहुत ही लंबा दिन होने वाला है। मेरी जन्मदिन गाड़ी में बीतने वाली है हाईवे पे, और इससे बेटर चीज़ क्या हो सकती है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो सबसे पहले हम रुके डीजल भराने के लिए। पूरा टैंक फुल कर दिया था मैंने, और पहले से ही काफ़ी डीजल था इसके लिए। कुछ 3,800 रुपीज़ में मेरा टैंक फुल हो गया। फिर मैंने सोचा मैं एक बार हवा चेक कर लूँ। तो दोस्तों, एयर प्रेशर के बारे में जब मैंने सर्विस सेंटर वालों से पूछा तो उस बंदे ने मुझे 35 का रेकमेंडेड एयर प्रेशर बोला, लेकिन जब मैंने गाड़ी के ऊपर स्टिकर देखा वहाँ पे 33 लिखा था। तो फिर इस ट्रिप में, क्योंकि हम 4 लोग थे और लगेज भी था, तो मैंने 35 ही भरा लिया। और यूजुअली मैं 35 ही प्रेफर करता हूँ, इवन दो स्टिकर के ऊपर 33 लिखा हुआ है, पर फिर भी मैं 35 ही यूजुअली प्रेफर करता हूँ, स्पेशली जब मैं लगेज कैरी करता हूँ या लोग होते हैं गाड़ी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, ये दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत लंबा होने वाला है। ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, हम लोग का प्लान तो बहुत जल्दी निकलने का था, बट पता नहीं, हमेशा की तरह लेट ही निकलते हैं हम, कितना भी प्लान करें। 9 बजे यहाँ से निकलेंगे तो पहुँचेंगे कब? ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस का रास्ता है। वैसे तो मैं मुंबई से हैदराबाद भी गया था और ऑलमोस्ट उतना ही डिस्टेंस था, पर ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा ज़्यादा लंबा लगने वाला है, क्योंकि इसमें इंटरनल हाईवे पे भी हम चलाएंगे, नेशनल हाईवे पे भी चलाएंगे, तो काफ़ी कुछ आएगा बीच में जहाँ से हम गुजरेंगे। और मैंने इनिशियली सोचा था कि हम कहीं पे रुकेंगे नहीं और सीधा 4-5 घंटे तक चलाएंगे और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे, पर जैसे ही 1.5-2 घंटे हो गए हम रुक गए एक ब्रेक लेने के लिए। तो अभी कुछ 4 घंटे में दूसरा ब्रेक लिया है। नॉर्मली मैं 4 घंटों में सिर्फ एक ही ब्रेक लेता हूँ, पर पेरेंट्स भी साथ में हैं तो आज आराम से ही चल रहे हैं। मैं पता नहीं कब पहुँचेंगे जूनागढ़। अभी 1 बज गए हैं, लगभग आधा दिन निकल चुका है, अभी तक हम सूरत भी नहीं पहुँचे हैं। हाफ डिस्टेंस तो बहुत दूर की बात है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वाला जो ड्राइव है ये हैदराबाद से भी ज़्यादा टायरिंग होगा। इवन दो ऑन पेपर डिस्टेंस सेम है, पर जैसा कि आप लोग जानते हैं सिर्फ डिस्टेंस के ऊपर नहीं रहता। वडोदरा के पास हाईवे पे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, ऑलमोस्ट हमने लंच किया ही नहीं था और कुछ 3-4 बज गए थे। फिर फाइनली हम रुके वहाँ पर फटाफट लंच करने के लिए। एक ढंग का जगह लग रहा था, देख के तो ढंग का जगह लग रहा था, तो हम वहाँ पर रुके। इस जगह का खाना मुझे अच्छा लगा, पुलाव, भिंडी की सब्ज़ी, पनीर, सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से बनाया था। सिर्फ रोटी उन्होंने मैदे वाली बना दी, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसा, एस्पेशली ट्रैवलिंग के टाइम पे। दोस्तों, ऐसे लॉन्ग जर्नीज में आपको एक रिलायबल कार की ज़रूरत है, और कार्स 24 से अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको रिलायबिलिटी की एक एश्योरेंस मिल जाती है, क्योंकि उनकी गाड़ियां मोर देन 140 क्राइटेरियाज में चेक होती हैं और फिर डिलीवर होती हैं। इतना ही नहीं, वहां पे आपको हज़ारों चॉइसेस भी मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए, अगर आप अपने लोकल डीलर के पास जाएंगे वहां पे आपको 10-1 गाड़ियाँ ही चॉइसेस के लिए मिलेंगी, लेकिन कार्स 24 में आपको हज़ारों चॉइसेस भी मिल जाते हैं।
आपको बेस्ट प्राइस भी वो दे देते हैं। वो बेस्ट प्राइस इसलिए दे पाते हैं क्योंकि उनके कोई फिजिकल शोरूम्स नहीं होते, तो उनकी जो भी कॉस्ट की सेविंग होती है वो सीधा आपको बेनिफिट पास ऑन कर देते हैं। इतना ही नहीं, वो आपको गाड़ी घर पे भी डिलीवर कर देते हैं सीधा, और गाड़ी अगर आपको पसंद ना आए तो 7 दिन में आप रिटर्न भी कर सकते हैं, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो है ना, ये एक कमाल का तरीका गाड़ी खरीदने का। देखिए, मेरे दोनों पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं और वो मेरे साथ थे इस ट्रिप में, तो मेरे माइंड में हमेशा ही एक चीज़ थी कि उनको ज़्यादा एग्जॉस्टिंग फील नहीं होना चाहिए, लेकिन पीछे कैप्टन सीट्स में वो अच्छे से सेटल होते हुए मुझे दिखे। हम वापस डीजल भराने के लिए रुके, यहाँ पे मैंने वापस डीजल भराया। फिर जैसे ही मुझे लग रहा था कि अब मैं सीधा जूनागढ़ में ही जाके रुकूंगा, फिर वापस मैंने देखा कि एक बहुत खतरनाक ट्रैफिक जैम लग गया। ये वाला जो ट्रैफिक देख के बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हो गया मैं, क्योंकि भाई मुझे लगा कि अब तो मैं भगाऊंगा और सीधा 4-5 घंटे में पहुँच जाऊँगा जूनागढ़, लेकिन ये ये वाला जो ट्रैफिक जैम है इसने एक ब्रेक लगा दिया हमारे ड्राइव पे। आगे एक हरियाणा का नेक्सन था हमारे आगे, फिर मैंने वहाँ पे लोकल बंदों से पूछा कि भाई क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि वहाँ एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। ये ट्रैफिक वगैरह देख के मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी, एकदम मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं सो जाऊँ अब। फिर शाम होने लगी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू था शाम के वक्त हाईवे पे, पूरा खुला हाईवे था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, एकदम ज़बरदस्त वेदर था, अच्छे कलर्स दिख रहे थे, स्काई एकदम ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर ऑलमोस्ट 3-4 घंटे तक मैंने नाइट ड्राइविंग की, और रात को हेडलाइट्स का, जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी पावरफुल हेडलैम्प्स है इसके, अच्छा फील्ड ऑफ व्यू है। फिर रात को ड्राइव करते करते फाइनली हम जूनागढ़ पहुंच गए, और जूनागढ़ पहुंचते ही हमने देखा कि एकदम कुछ ऐसा ज़्यादा हलचल नहीं था वहाँ पे, एकदम स्लीपी टाउन था, लेकिन देर भी तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, ऑलमोस्ट 11:30 बज गए थे जब हम वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे मैंने देखा कि जहाँ पे हम रुकने वाले थे उसके पहले एक रेसिडेंशियल एरिया था, वहाँ लोग कुर्सी डाल के बाहर रोड के पास बैठे थे और गपशप कर रहे थे। तो फाइनली जब मैंने हमारी होटल देखी तो थोड़ा एक रिलीफ सा लगा मुझे। रात के 11:30 हम पहुंच गए ऑलमोस्ट। जब हम किसी भी सफर पे निकलते हैं तब हम हमेशा उस सफर को सही तरीके से एस्टिमेट नहीं कर पाते, कभी कभी वो हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, कभी कभी हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। बट इस बार मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि मैं कुछ ज़्यादा ही डर रहा था। एक्चुअली एक दिन में आप मुंबई से जूनागढ़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास सफारी हो तब तो आप डेफिनेटली आसानी से कर सकते हैं। तो फाइनली पहुंच गए, अभी कुछ रात के 11:30 हुए हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 14.5 आवर्स लगे हमें जूनागढ़ आने के लिए। अच्छा ड्राइव था, कल सुबह देखते हैं कि कैसा जाता है दिन, गिरनार हिल्स में जाएंगे कल सुबह। एक मिडनाइट स्नैक का समय हो गया था, दाल खिचड़ी जो मैंने मंगाई मुझे बहुत अच्छी लगी, मसालेदार लगी। मसाला पापड़ में अगर आपको खीरा दिख जाए तो आप एक चीज़ के लिए श्योर हो सकते हो कि आप मुंबई और थाने में तो एटलीस्ट नहीं हो। कल के लॉन्ग ड्राइव के बाद हम लोग अभी जस्ट आराम आराम करके, ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकल रहे हैं रोपवे की तरफ, और रोपवे देखने के बाद फिर हम शाम के वक्त यहाँ से सोमनाथ जाएंगे। यहाँ से रोपवे कुछ 3-4 किलोमीटर दूर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ से। वैसे अगर मैं बोलूँ तो ड्राइव इतना ज़्यादा भी थका देने वाला नहीं था, बहुत जल्दी मैं रिकवर हो गया, कुछ बहुत ज़्यादा मुझे लेग पेन या कुछ नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट 14.5 आवर्स ड्राइव किया था कल, पर उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज़्यादा थकान हुई थी। तो अच्छा हुआ कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है हमने फर्स्ट डे में ही कवर कर लिया, अगर हमने बीच में हॉल्ट लिया होता तो हमारी थोड़ी सी टाइम वेस्ट हो जाती थी।
बट अब हमारे पास पूरा का पूरा दिन है आज, राइट, घूमने के लिए. वो इसलिए है क्योंकि हमने जो भी ड्राइविंग था वो कल ही कर लिया था. सो कभी कभी ऐसा होता है कि पहला दिन थोड़ा सा आपको ज़्यादा यू नो लंबा ड्राइव करना पड़ता है ताकि आप उसके बेनिफिट्स अगले कुछ दिनों में ले सकें. तो वैसा कुछ था. की तरफ जाने वाले हैं. 2-5 मिनट का रास्ता है. गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है. पहले मैं गाड़ी साफ कराऊंगा और फिर यहाँ से चलेंगे रोपवे. जो कुछ 5 मिनट का रास्ता है, रोपवे से हम ऊपर मंदिर तक जाएंगे और फिर देखेंगे आगे क्या होता है. सबसे पहले मुझे गाड़ी साफ़ करना है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रुकी है. वहाँ से निकलते समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस गाड़ी की टर्निंग रेडियस थोड़ी सी लंबी है. मुझे रिवर्स लेना पड़ा और फिर मैं लेफ्ट टर्न ले पाया. फिर मैंने वहाँ पे एक अच्छी सी जगह देख के अपनी गाड़ी पार्क कर दी. वहाँ पे जैसे ही मैंने थोड़ा सा ऊपर देखा, बहुत ही बड़ा सा एक पहाड़ दिखा मुझे. तो इस पहाड़ को बोलते हैं गिरनार हिल्स. 3672 फीट का ये पूरा हिल है. इस हिल के ऊपर अगर आपको जाना है तो 9999 स्टेप्स आपको चढ़ने पड़ेंगे. ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे लग जाते हैं ऊपर पहुंचते पहुंचते. कुछ लोगों को तो 8-9 घंटे भी लग जाते हैं. रोपवे आपको ऊपर सिर्फ 10-15 मिनट में पहुंचा देता है. दोस्तों यहाँ पे जो रोपवे है इसकी प्लानिंग ऑलमोस्ट 1983 में ही कर दी गई थी, लेकिन रेगुलेटरी क्लियरेंसेस के वजह से इसका काम बहुत लेट शुरू हुआ था 2018 के आसपास, और फाइनली अक्टूबर 2020 में इसकी इनॉग्रेशन हुई थी. तो ये जो रोपवे है ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये अभी अभी बना है. कोविड काल में ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था. ये रोपवे एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे है. 7000 फीट से भी ज़्यादा इसका डिस्टेंस है. ये रोपवे का नाम उड़न खटोला है. एंट्रेंस के पास इमली, बलून्स, ये सारी चीज़ें बिखरी थी. एकदम टिपिकल इंडियन टूरिस्ट प्लेस जैसा, पूरा एकदम टूरिस्ट प्लेस का फील आ रहा था यहाँ पे. वहाँ पे नज़दीक पे ही पार्किंग था, तो पार्किंग से आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा यहाँ पे. फिर मैं सीधा जाके वहाँ पे लाइन में खड़ा हो गया. बहुत ज़्यादा लाइन नहीं था, थोड़ा सा था. 700 रुपीज़ की रिटर्न टिकट है. दोस्तों मुझे हाइट से लगता है बहुत ज़्यादा डर, ठीक है. ये देख के ही मेरा सर चकरा गया था और मैं सोच रहा था भाई मैं तो नहीं जाऊँगा इस रोपवे में, बहुत ही खतरनाक लग रहा था मुझे. और आप में से बहुत लोग जब यहाँ आएंगे आप लोग समझेंगे कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था. अगर आप यहाँ से देखेंगे ऊपर, देखिए जो ऊँचाई आपको दिखती है और जो रोपवे ऊपर जाते हुए आप देखते हैं, ये आधे लोगों को डेफिनेटली थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगेगा. लेकिन एक बार आप बैठ जाएंगे रोपवे के अंदर तब आपको उतना डर नहीं लगेगा.
जब हम ऊपर पहुंचे तो एकदम ठंडा क्लाइमेट था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसा हमें 15 मिनट पहले नीचे लग रहा था। नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ऊपर तो कुछ अलग ही मौसम था। बहुत जल्दी वेदर चेंज हो जाता है ऊपर, जैसा कि पहाड़ों में अक्सर होता है। यहाँ पे माँ अम्बे जी की मंदिर है और दत्तात्रेय मंदिर भी है यहाँ पे। ये विंड का आवाज सुनो और रिलैक्स करो। ऊपर अलग ही एटमॉस्फेयर है, नीचे से बहुत ज़्यादा ठंडा है वेदर। नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और पसीने छूट रहे थे। यहाँ पे तो अभी यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम गुजरात में हैं और अभी गर्मी है नीचे, इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा है क्योंकि ऊपर वेदर इतना ठंडा है और इतना ठंडा हवा आ रहा है। कुछ मत करो, कहीं मत घूमो, बस आराम से बैठो और एंजॉय करो इस वेदर को। फिर भाई जो व्यूज मैंने देखे वहां पे मजा आ गया लाइफ का। ये ऐसे व्यूज मैंने अपने लाइफ में कहीं पे भी नहीं देखे। आप लोग भी अगर यहाँ पे आएंगे, आप लोगों को जो व्यू यहाँ से दिखेगा इस रोपवे से, मैं गारंटी देता हूँ ये व्यू आपको बहुत कम इंडिया में देखने को मिलेगा। ऐसे व्यूज अमेजिंग एक्सपीरियंस था। रोपवे की हाइट बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट आप जैसे ऐसे ऊपर पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक्चुअली ये रोपवे बहुत ज़्यादा ऊँचा है। सोच रहा था कि आज जो 10-15 मिनट का रोपवे राइड हम एंजॉय करके जा रहे थे, यही रास्ते पे कितने सारे लोग 6-6, 10-10 घंटे चढ़ाई और उतराई करते हैं इस गिरनार हिल्स में। स्पेशली मैंने बहुत सारे बूढ़े लोगों को भी देखा रास्ते में, वो भी चढ़ के जा रहे थे। मानना पड़ेगा लोगों को। नीचे आने के बाद मैं जस्ट याद कर रहा था ये जर्नी को, एकदम अमेजिंग जर्नी था ये, मैं हमेशा याद रखूंगा ये रोपवे का ट्रिप। तो कैसा लगा आपको गिरनार हिल्स? हम अभी वापस पार्किंग लॉट पे आ चुके हैं। यहाँ पे अभी हम यहाँ से सोमनाथ चलेंगे और सोमनाथ कुछ 1.5-2 घंटे का रास्ता है। रास्ते में हम लंच भी करेंगे और फिर हम वहाँ से सोमनाथ चलेंगे। द्वारका,